तो यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान भी हो जाएगा, लेकिन जेडीयू यूपी में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका जवाब ना तो नीतीश कुमार के पास है ना ही पार्टी के किसी दूसरे नेता के पास। सवाल है कि क्या बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू को यूपी में भाव नहीं दे रही। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए ताल ठोक रही बीजेपी अपने तमाम सहयोगियों की खुशी का पूरा ख्याल रख रही है, चाहे संजय निषाद की निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल का अपना दल। बीजेपी चुनावी वेला में किसी को खोना नहीं चाहती, भले ही इसके लिए बीजेपी को उनकी सियासी हैसियत से ज्यादा सीटें देनी पड़ जाए। लेकिन बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी जेडीयू के हाथ अभी तक खाली है। जेडीयू पहले ही ऐलान कर चुकी है कि यूपी चुनाव में वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन बीजेपी उसे कितनी सीटें देगी इसका जवाब अब भी जेडीयू के पास नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सीटों को लेकर बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन सिंह लल्लन बाबू ने जदयू कोटे के केंद्रीय मंत्री आदरणीय आरसीपी सिंह जी को उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल के लिए पार्टी की ओर से अधिकृत किया है। सवाल है कि आखिर पेज फंसा कहाँ है। दरअसल बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है। यही नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लिहाजा वो यूपी में बगावती तेवर दिखाने से बाज आएंगे। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के सामने बीजेपी मजबूर है, ठीक वैसे ही यूपी में बीजेपी के सामने नीतीश भी मजबूर है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को देर तक फंसा कर रखा जाए और आखिरी समय में उन्हें कुछ सीटों का ऑफर दिया जाए, जिसे कबूल करने के सिवा उनके पास कोई और चारा ही न रह जाए। आज वहाँ लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो बंटवारा होना होगा ये शीर्ष नेतृत्व इस पे निर्णय लेगा। आरसीपी सिंह को पहले भी जेडीयू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी का कोटा तय करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बीजेपी ने बातचीत को देर तक लटकाए रखा। आखिरकार आरसीपी सिंह खुद तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन जेडीयू कोटे से और किसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिला सके। अब यूपी में अपर हैंड बीजेपी का है और बीजेपी खामोशी वाली रणनीति पर बढ़ती नजर आ रही है। राजनीति में जब मजबूत स्थिति में जब कोई गठबंधन की पार्टियां होती हैं, तो छोटी पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और नीतीश कुमार के पास भी कोई चारा नहीं है कि जब ये गठबंधन में वहां गए हैं तो जो भी सीटें भाजपा इनके हिस्से में छोड़ेगी, इन पर चुनाव लड़ने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये मजबूत स्थिति में है भी नहीं, ये विद्रोह की स्थिति में वहाँ नहीं जा सकते। आरजेडी पहले ही साफ कर चुकी है कि यूपी के चुनावी सफर में वो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन करेगी। हालांकि तेजस्वी या लालू यादव ने अभी तक यूपी में अखिलेश के साथ मंच साझा नहीं किया, लेकिन वो जेडीयू को आईना दिखाना नहीं भूली है। छोटे राज्यों में इन्होंने कह दिया जेडीयू लड़ेगी, तो अब क्या उनको सीट मिलेगा 10 मार्च के बाद चुनाव परिणाम आने के बाद? तो ये खटपट है, वहाँ पर कटोरा लेकर के जेडीयू खड़ी है बीजेपी के सामने, बीजेपी नोटिस नहीं ले रही है जेडीयू का। मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी जेडीयू को कुछ सीटों का प्रस्ताव दे और थोड़ी नानुकुर के साथ नीतीश कुमार भी इसे कबूल कर ले, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पहली प्राथमिकता बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है, लिहाजा वो बीजेपी के खिलाफ एक हद से ज्यादा नहीं जा सकते। एक तरफ बीजेपी जदयू को अंतिम समय तक फंसा कर रखना चाहती है, वही दूसरी तरफ जदयू के पास गठबंधन में जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव मैदान में गए तो जीरो पर आउट होना तय है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।